इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 6 में रेडर्स टू वॉच आउट फोर के बारे में। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है टॉप 5 रेडर्स या फिर टॉप 10 रेडर्स, यहाँ पर वो सारे रेडर्स होंगे जिन पर दुनिया की पूरी नज़र होगी। तो कौन है ये रेडर्स, ये जानने के लिए आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से मैं आपको पहला नाम बता देता हूँ। तो पहला नाम है जैंग कुली, जो है कोरियन रेडर है और बंगाल वॉरियर्स की तरफ से हर ईयर खेलते हैं, इस ईयर भी उसी टीम में है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका पीकेल का। पीकेल के सबसे अच्छे फॉरगेन रेडर हैं, ये आप सब मानते हो, मैं भी मानता हूँ, पर लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था और इस बार बंगाल वॉरियर्स इनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है। तो आई होप ये अच्छा परफॉर्मेंस करे और इन पर पूरी दुनिया की निगाहें होगी। वहीं पर बात करें अगले रेडर के बारे में, तो वो भी बंगाल वॉरियर्स की तरफ से ही हैं, मनिंदर सिंह। और मनिंदर सिंह दो ही सीजन खेले हैं पीकेल का, पर बहुत अच्छा नाम बनाया है उन्होंने पीकेल में। एक बार जयपुर पिंक पैंथर से खेले, कमाल का खेले, और लास्ट ईयर बंगाल वॉरियर्स से खेले तब भी कमाल का ही खेले, और बंगाल वॉरियर्स इनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है और इन पर भी पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हमारे अगले रेडर हैं काशी लिंगटके। मैं ये मानता हूँ कि काशी लिंगटके का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सीजन में अच्छा नहीं रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार वो जब दबंग दिल्ली के लिए खेलते थे कमाल का खेलते थे, और वो जब यूम्बा में गए तो कुछ ज़्यादा ही उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी यूम्बा की टीम, और उस समय अनूप कुमार भी फॉर्म में नहीं थे, मतलब जितने भी प्लेयर थे यूम्बा के, जितने भी रेडर थे, कोई इनमें से फॉर्म में नहीं था, सारा कुछ काशी लिंग पर हो गया और उसमें काशी लिंग अच्छा नहीं खेल पाए क्योंकि ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट करने लगी यूम्बा, तो उसमें काशी लिंग फेल हो गए। पर इस बार उनके पास रोहित कुमार है तो उस बार इनके पर इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा काशी लिंग के पर, वो सोचेंगे कि हाँ अगर मैं अच्छा ना भी खेलूँ तो रोहित कुमार है मेरे पास, मुझे थोड़ा भी कुछ भी मैच में वे अच्छा खेल दूँ तो अच्छा खेलूँगा, इस सोच में वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है काशी लिंग अटके पर भी पूरी दुनिया की नज़र होगी इस ईयर। वहीं पर बात करें हमारे अगले प्लेयर के बारे में, तो वो भी बेंगलुरु बुल से ही है और इस प्लेयर का नाम है रोहित कुमार। रोहित कुमार एक कमाल के रेडर हैं और इनके बारे में आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर ईयर इन पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। वहीं पर हमारे अगले प्लेयर हैं सचिन तनवर लास्ट ईयर डेब्यू किया और बहुत ज़्यादा अच्छा खेला उन्होंने गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए, और पूरी गुजरात की मतलब एक्सपेक्ट उन्हीं पर है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले और उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की रेडिंग लाइनअप। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं सचिन तनवर। वहीं पर हमारे अगले प्लेयर हैं मोनू गोयत ऑप्शन के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर थे। देखते हैं लीग के क्या स्कोरर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होते हैं या नहीं, वो तो देखना बनता है, और इस एक्सपेंसिव प्लेयर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लास्ट ईयर की तरह अच्छा खेले उम्मीद करते हैं हरियाणा स्टीलर्स इनसे, तो देखते हैं ये कैसा खेलते हैं। और जो अगला प्लेयर है वो भी हरियाणा से ही है, उसका नाम है वजीर सिंह, ये भी एक कमाल के रेडर हैं। सीजन 1 में जब ये खेले थे, सीजन 1-2 तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले थे, पर 5 में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। हाँ ठीक ठाक खेले, पर ये जितने बड़े प्लेयर हैं उतना अच्छा तो ये बिल्कुल नहीं खेले, वो उससे कई ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं और टॉप 10 टॉप 5 में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वजीर सिंह, इन पर भी पूरी दुनिया की निगाहें होगी। अगले प्लेयर हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से, आप समझ चुके होंगे कौन, हाँ वो हैं अनूप कुमार। इंडिया टीम के सबसे महान कबड्डी प्लेयर हैं ये मैं मानता हूँ, मतलब अभी तो करेंट में नहीं है क्योंकि उनका फॉर्म बिगड़ गया है, पर पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ले तो कबड्डी के सबसे महान प्लेयर अनूप कुमार ही हैं, ये मैं मानता हूँ, और हर साल इन पर पूरी दुनिया की निगाहें होती है। उम्मीद है इस बार ही अपने फॉर्म में आए और अच्छा परफॉर्मेंस करे तो इस साल भी इन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और अगला प्लेयर भी जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से ही है, दीपक निवास हुडा, ये भी एक कमाल का प्लेयर है दीपक निवास हुडा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, और उम्मीद है कि इनको जयपुर एज अ रेडर खिलाए और इन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि ये एज अ रेडर कैसा खेलेंगे, मेन रेडर कैसा खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स का। वहीं पर हमारे अगले प्लेयर हैं प्रदीप नरवाल पर पिछले कुछ सीजन में तो सबसे ज़्यादा नज़र इसी प्लेयर पे होती है, और मुझे पता है कि इनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ ये लास्ट ईयर के मोस्ट वैल्यूएबल रेडर भी रहे थे। बात करें हमारे अगले प्लेयर के बारे में, तो वो है नितिन तोमर एक पावरफुल और कमाल के रेडर हैं जो लास्ट ईयर यूपी योद्धा के कैप्टन थे, बट इस ईयर ये पुनेरी पल्टन के लिए खेलने वाले हैं, और हर ईयर ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जो भी ईयर खेलते हैं उसमें एवरेज परफॉर्मेंस तो दे ही देते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं।
हैं जैसे लास्ट ईयर दिया यूपी योद्धा के लिए। तो मैं इतना तो इनसे होप जरूर कर रहा हूँ कि मतलब ये जितना पॉइंट यूपी योद्धा के टीम के लिए लिया उतना पॉइंट तो ये आराम से ले ही ले, और पूरी दुनिया इनसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। बात करें हमारे अगले प्लेयर के बारे में तो वो है इंडिया टीम के कैप्टन अजय ठाकुर। अजय ठाकुर इस बार तमिल थलाइवास के लिए खेलने वाले हैं और ये कमाल के रेडर हैं और हर साल इन पर भी नज़र होती है। लास्ट ईयर इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था और इस ईयर भी इन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में जो है रेड मशीन राहुल चौधरी। राहुल चौधरी एक कमाल के रेडर हैं और मुझे पता है इनके बारे में भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट लेने वाले रेडर हैं। तो हाँ, हर साल जैसे पूरी दुनिया की निगाहें होती है इन पर, वैसे ही इस साल भी होगी। बात करें हमारे नेक्स्ट प्लेयर के बारे में तो वो हैं रिशांक डिवाडिका। रिशांक डिवाडिका इस बार महाराष्ट्र के लिए कमाल का खेले थे और महाराष्ट्र को जिताया भी था, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। और लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था यूपी योद्धा के लिए और इस बार ये यूपी योद्धा के कैप्टन हैं। तो उम्मीद है इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, यूपी योद्धा की टीम को कैप्टन बना दिया है। लगभग आधा यही है यूपी योद्धा के, अगर यूपी योद्धा को जीतना है तो इनको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और ऑफकोर्स यूपी के साथ साथ पूरे कबड्डी फैंस का नज़र रहेगा रिशांक डिवाडिका पर। तो अब दो टीमें बची हैं जिनका मैंने कोई प्लेयर का नाम नहीं लिया, तो मैं उनका भी आपको बता ही देता हूँ। तो एक हैं दबंग दिल्ली से चंद्र रंजीत। चंद्र रंजीत गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेले थे लास्ट ईयर, मतलब लास्ट सीजन के कुछ मैचेस में आए और अपना नाम बना लिया, और इस बार वो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसे में खरीदे गए और दबंग दिल्ली में गए हैं। और मुझे लगता है ये रेडर बहुत कुछ कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने वाला है दबंग दिल्ली के लिए इस ईयर। तो यार पूरी दुनिया का नज़र इस पर भी होगा क्योंकि देखते हैं ये यंग टैलेंट क्या करता है। और अगली जो टीम है वो है यू मुंबा। तो यू मुंबा से मुझे लगता है अभिषेक सिंह, शायद आप लोगों के लिए शौक होगा पर मेरे लिए शौक नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि यू मुंबा में अभिषेक सिंह से अच्छा कोई रेडर नहीं है। और ये रेडर कमाल का परफॉर्मेंस दिखाने वाला है इस ईयर, जैसा इन्होंने नेशनल में परफॉर्मेंस किया अगर यहाँ पर भी वैसा कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा यू मुंबा के लिए। और यू मुंबा इस ईयर ट्रॉफी भी जीत सकती है, जो जीतना अभी मुश्किल लग रहा है। अगर रेडर्स ने अच्छा खेला तो ये आसान हो जाएगा। तो पहले तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि क्या आपको एक वीडियो चाहिए डिफेंडर्स टू वॉच आउट फॉर इन प्रो कबड्डी सीजन 6। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन कौन से रेडर्स पर पूरी दुनिया की नज़र होगी, और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।